काटाफोर में विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बियाणी के निवास पर बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बागली विधानसभा प्रभारी जयवर्धन जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में जयवर्धन जोशी ने बताया कि बागली विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ग्राम नगर केंद्रों पर पहुंचकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान अंतर्गत हर नगर ग्राम केंद्र पर बैठक लेकर एक बूथ 11 यूथ के मिशन को अमली जामा पहनाया जाएगा। जोशी ने कहा कि हर बूथ पर बूथ संयोजक के नेतृत्व में 10 युवकों की सूची बनाना है। यह युवा प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। आह्वान पर आगामी उपचुनाव में जो कि खंडवा लोकसभा में होने जा रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा बागली विधानसभा में एक बृहद अभियान चालू करने जा रहा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय सुहास भगत जी, आदरणीय नित्यानंद शर्मा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव पवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी विधानसभा में एक अभियान चला रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ग्राम चलो अभियान। इस अभियान के तहत हम जो भी हमारे सारे ग्राम केंद्र नगर केंद्र हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं और बैठक ले रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पे जहाँ भी बैठक लें उस पर्टिकुलर ग्राम केंद्र पे, जो भी बूथ उस ग्राम केंद्र के नीचे आ रहे हैं वहाँ पे हम अधिक से अधिक युवाओं को हमारे साथ जोड़ पाए। एक बूथ 11 यूथ, इस नारे के साथ हम हर ग्राम केंद्र और नगर केंद्र पर हम जाने वाले हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत में एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाए। हम हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भैया वीरेंद्र रजावत जी के नेतृत्व ये अभियान आज से शुरू करने जा रहे हैं और हम शुरू बेटिया सरकार मंडल और सतवास मंडल जो हमारे होते हैं वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री राम लंगोरे जी पहली बैठक जो होगी सतवास में उसमें उपस्थित रहेंगे, दूसरी बैठक हम लोहारदा नगर में रह रहे हैं, इसके बाद कल से एक बहुत ही बृहद और बहुत ही इंटरनल अभियान जिसे हम कह सकते हैं कि हम ग्राम केंद्र नगर केंद्र तक जाएंगे, ये अभियान हम कल से शुरू करते हैं। जैसे परसों फॉर्म की लास्ट डेट है तो अभी आपकी पार्टी ने प्रत्यक्ष तय नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, यहीं आए थे काटापुर में सभा लेने, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कभी भी तैयारी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है, तो जब भी प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे हम तैयार हैं और हम पूरी ताकत से लगे और इनको जिता लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।